मित्रों, जब हमारी बुद्धि सही समय पर सही गलत का निर्णय करने में सक्षम हो जाए, तब हमें समझ लेना चाहिए कि वह सत्य के मार्ग पर ही हमें लेकर जाएगी। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा प्रणीत वेदांत सूत्रों का पहला सूत्र ही इस ओर संकेत करता है। उसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करें, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र के अर्थ में विवेक को इसलिए आवश्यक माना गया है क्योंकि बिना इसके जीवन में वैराग्य घटित ही नहीं होता। वैराग्य कसौटी है विवेक की, विवेक की परिणति है वैराग्य। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को इन दोनों की ही परम आवश्यकता हुआ करती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए किसी पक्षी को दो पंख चाहिए ही, वेदांत ग्रंथों में विवेक के संदर्भ में हंस को परम आदर्श स्वीकार किया गया है। कहते हैं हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, वो भी अत्यंत सहजता से। इसी तरह विवेकशील एक समान मिले पदार्थ को बड़ी आसानी से अलग अलग कर लेता है, और यदि व्यवहार के लिए उनका मिले रहना आवश्यक हो तो भी वो उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग देखता है। विवेकवान को ही शास्त्र जागा हुआ कहते हैं। जागृति को वा, जागा हुआ कौन है? सद सद विवेकी, अर्थात जो सत्य असत्य का विवेक कर सकता है वही जागा हुआ है, नहीं तो मोह निशा सब सो बनहारा। संतों का कहना है कि जब तक स्वप्न टूटता नहीं, जागरण नहीं घटित होता, तब तक सपना सत्य सा नहीं बल्कि सच्चा लगता है। यही स्थिति व्यवहार की भी है। आध्यात्मिक अनुभूति हुए बिना व्यवहार भी सत्य प्रतीत होता है। महर्षि अष्टावक्र और जनक जी का संवाद इसी सत्य की पुष्टि करता है। जनक जी ने रात्रि में आए स्वप्न की चर्चा करते हुए जब अपनी सभा में विद्वानों से ये पूछा कि सत्य क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि दोनों झूठे हैं, क्योंकि स्वप्न काल में स्वप्न का दृष्टा जागृत नहीं रहता और जागने पर स्वप्न की बाधा हो जाती है। सत्य तो वो तत्व है जो प्रत्येक अवस्था में अपने मूल रूप में रहा करता है। ये विश्लेषण ही विवेक है, उसे आत्मसात करना आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान है। शास्त्रों में सत्संग की महिमा का बखान किया गया है। व्यवहार की दृष्टि से संग जहां संस्कारों का वाहक है, वहीं चित्त में प्रसुप्त पड़े संस्कारों को क्रियाशील भी बनाता है। अजामिल की कथा बताती है कि कैसे संग का प्रभाव पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख देता है। एक साधु पुरुष कैसे अनर्थकारी हो जाता है, संग से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। रहीम दास जी ने भी कहा है, कुसंग से बचें। कहो रहीम कैसे निभय बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने तिन के भारत अंग। ये कुसंग विवेक को हर लेता है मित्रों, और सत्संग सत्संग की फलश्रुति है विवेक की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुलभ न सोई। भगवत पथ पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए विवेकशील बनना ही पड़ेगा, और उस विवेक को प्राप्त करने के लिए नित्य स्वाध्याय सत्संग करना पड़ेगा। बड़े बड़े साधु कहे जाने वाले लोगों का भी पतन होते देखा है, इसलिए नित्य सत्संग सुनने की आदत डालें, प्रभु का भजन करें, सत्संग करें। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।